हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय ममता सिंह रिसेंटली अभी आपके पास में इंडिविजुअल टर्म के लिए टर्म वन और टर्म टू के लिए सिलेबस जो है सीबीएसई बोर्ड ने असाइन कर दिया है ठीक है वो सिलेबस जो है आपको बता दिया गया है कि जो टर्म वन में एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें आपका क्या सिलेबस आने वाला है एंड टर्म टू में क्या आएगा जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि टाउन वन में थ्योरी का आपका कंटेंट क्या है और मैं फिज़िक्स की बात कर रही हूँ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास ट्वेल्थ ठीक है क्लास ट्वेल्थ फिज़िक्स के बारे में टाइम जो है एग्ज़ाम का नाइन्टी मिनट्स होगा और मार्क्स जो हैं पेपर के जो होंगे जो भी आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा दैट विल बी आउ थर्टी फाइव मार्क्स राइट सिलेबस क्या है आप देख सकते हैं कि पहली यूनिट कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि एनसीईआरटी में दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है

इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑल दीज थ्री चैप्टर्स टुगेदर, ठीक है आर ऑफ सेवनटीन मार्क्स सेवनटीन मार्क्स का ये कंटेंट रहेगा देन आपकी यूनिट नंबर थर्ड जो कि आती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म एन में देखें तो ये यूनिट दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है चैप्टर फोर एंड चैप्टर फाइव दैट मीन्स मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड चैप्टर फाइव है मैग्नेटिज्म एंड मैटर राइट सो so, ये आपका दो चैप्टर्स हैं यूनिट नंबर थ्री देन यूनिट नंबर फोर में भी फर्दर दो चैप्टर्स हैं एक है ई एम आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड चैप्टर नंबर सेवन ऑल्टरनेटिंग कारण सो लास्ट में ये जो लास्ट के फोर चैप्टर्स हैं यानी कि चैप्टर नंबर सॉरी फोर चैप्टर नंबर फाइव सिक्स सेवन ऑल द फोर चैप्टर्स दैट मीन्स यूनिट थर्ड एंड फोर्थ टुगेदर इज ऑफ एटीन मार्क्स तो देखा जाए तो चैप्टर नंबर सेवन तक आपका पहले टर्म में सिलेबस आने वाला है कितना कंटेंट रहेगा टोटल थर्टी फाइव मार्क्स का आपका ये कंटेंट रहेगा राइट right? होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा क्या है दोबारा रिपीट कर देती हूँ पहले टर्म में टर्म वन जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें चैप्टर वन से सेवन तक का कॉन्टेंट आएगा यानी कि यूनिट नंबर वन टू थ्री फोर तो यूनिट से बेटर है आप चैप्टर को याद रखें ठीक है आप चैप्टर को याद रखें चैप्टर वन से सेवन दैट विल भी देयर एंड टोटल कॉन्टेंट कितना होगा थर्टी फाइव मार्क्स का ये कॉन्टेंट होगा उसके बाद में ये सिलेबस है पर्टिकुलरली चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं तो आप चाहें तो इनका भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अदरवाइज़ आप कॉमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देना आई सेंड यू द कंप्लीट कॉन्टेंट इन द पी डी एफ फॉर्म राइट ये आपका यूनिट नंबर वन यूनिट नंबर चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर टू आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ओके okay. अब उसके बाद में क्या है यानी कि नेक्स्ट कंटेंट क्या है नेक्स्ट कंटेंट देखिए ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है सो दिस इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर थ्री टॉपिक्स उसके आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर दिस इज़ चैप्टर नंबर फोर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज़्म दिस इज़ चैप्टर नंबर फाइव छोटा सा चैप्टर है ज़्यादा चीज़ें नहीं है चैप्टर फाइव में क्योंकि बहुत सारा कॉन्टेंट जो है वो डिलीट हो चुका है चैप्टर फाइव में से सो दिस इज़ मैग्नेटिज्म एंड मैटर जल्दी ही कम्प्लीट हो जाता है ये चैप्टर सो so, ज़्यादातर जो चैप्टर नंबर फोर है वो थोड़ा सा लेंदी है अदरवाइज चैप्टर फाइव सिक्स सेवन जो है इनमें टाइम नहीं लगेगा जल्दी कवर हो जाते हैं चैप्टर नंबर सिक्स और सेवन ओके okay, तो ये पहले टर्म का थ्योरी का कॉन्टेंट हो गया अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल के लिए तो यानी कि प्रैक्टिकल को भी टर्म वाइज डिवाइड कर दिया गया है सो so, प्रैक्टिकल जो पहला टर्म होगा उसके लिए क्या है कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं कितना वेटेज होगा तो आप देख सकते हैं इसके अंदर पहला जो टर्म वन का प्रैक्टिकल होगा आपका दैट विल बी ऑफ फिफ्टीन मार्क्स ठीक है उसमें क्या है टू एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म बाई द स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होंगे स्टूडेंट को जब आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा और रिकॉर्ड किसका मेंटेन करना होगा यानी कि कॉपी में क्या लिखना होगा आपको कॉपी में एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज़ ठीक है दोनों लिखनी होगी और पहले टर्म में आपको चार एक्सपेरिमेंट्स करने हैं ठीक है यानी कि टीचर परफॉर्म कराएगा चार एक्सपेरिमेंट लैब में आपको और थ्री एक्टिविटीज़ वो आपको परफॉर्म नहीं करनी है सिर्फ टीचर डेमोन्स्ट्रेट कर देगा और एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म भी करने होंगे लैब में और एट द टाइम ऑफ एग्जाम भी परफॉर्म करने होंगे तो एक्सपेरिमेंट आपको फोर यानी कि चार एक्सपेरिमेंट करने हैं पहले टर्म के लिए प्रैक्टिकल के लिए और तीन एक्टिविटीज़ आपको प्रिपेयर करनी है ध्यान रखना इसकी भी टेंशन ना लें मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी इस एक्सपेरिमेंट के जो कंटेंट है वीडियोज़ हैं वो डाले हुए हैं और जैसे ही आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा पास में आएगा मैं आपको टोटल जो प्रैक्टिकल्स हैं एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे लिखना है लैब मैनुअल में उसके लिए पूरा वीडियो शेयर कर दूंगी सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अब आप देखिए जरा दो एक्सपेरिमेंट यानी कि चार परफॉर्म करोगे उन चार में से आपको दो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो एग्जाम में दिए जाएंगे तो आपको परफॉर्म करने होंगे टू एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म बाय द स्टूडेंट एंड दैट विल बी ऑफ एट मार्क्स प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो लैब मैनुअल में मेंटेन करना होगा एक्सपेरिमेंट्स भी लिखने होंगे उसमें और एक्टिविटीज़ भी और जो लैब मैनुअल आप प्रिपेयर करोगे ठीक है उसमें एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज़ लिखोगे दैट विल बी ऑफ टू मार्क्स देन वाइवा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज़ राइट right? वाइवा में थ्योरी भी पूछ लेते हैं ऐसा नहीं है सिर्फ एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज़ ही आती हैं थोड़ा बहुत थ्योरी भी पूछ ली जाती है तो वो वाइवा आपका फाइव मार्क्स का होगा यानी कि टोटल प्रैक्टिकल हो गया आपका फिफ्टीन मार्क्स राइट उसके बाद में ये एक्सपेरिमेंट्स गिवन है कि टर्म वन में कौन कौन से आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं सो so, ये एक्सपेरिमेंट्स के लिए मैं आपको अलग से वीडियो शेयर करूंगी एक्सपेरिमेंट्स के लिए और एक्टिविटीज़ के लिए तो आप चैनल पे कनेक्टेड रहें जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट है और एक्टिविटीज़ कौन सी हैं टर्म वन के लिए सो टर्म वन के लिए ये आपके पास सिक्स एक्टिविटीज़ हैं एंड अमंग दीज सिक्स एक्टिविटीज़ यू हैव टू परफॉर्म ओनली थ्री एक्टिविटीज़ और वो परफॉर्म किया टीचर परफॉर्म करेगा आपको सिर्फ देखनी है आपको परफॉर्म नहीं करनी है इसका मतलब जो प्रैक्टिकल होगा उस टाइम पर आपको एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करनी होंगी एक्टिविटी सिर्फ लैब मैनुअल में लिखनी है आपको आपको उस टाइम पे जो प्रैक्टिकल होगा सिर्फ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं सो so, ये टर्म वन का कंटेंट है अगर हम टर्म टू के कंटेंट पे चलते हैं तो टर्म टू का थ्योरी का कंटेंट क्या है आप देख सकते हैं अगेन टर्म टू थर्टी फाइव मार्क्स अब इस वाले टर्म में यानी कि टर्म टू में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं सो चैप्टर नंबर एट ई एम वेवस इलेक्ट्रो वेव बहुत छोटा सा चैप्टर है राइट right? नेक्स्ट उसके बाद में ऑप्टिक्स आपका थोड़ा लेंदी है जिसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स राइट तो ई सॉरी ई वेव्स रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स ये तीन चैप्टर्स जो हैं मिलाकर आपके कितने हैं सेवनटीन मार्क्स का कॉन्टेंट है देन उसके बाद में क्या है चैप्टर नंबर इलेवन डूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर नंबर ट्वेल्व एटम चैप्टर नंबर थर्टीन न्यूक्लियाई दीज थ्री चैप्टर्स ठीक है इलेवन ट्वेल्व थर्टीन आर ऑफ इलेवन मार्क्स कितने मार्क्स के हैं इलेवन मार्क्स और लास्ट में जो चैप्टर है आपका सेमी कंडक्टर डिवाइस ठीक है ये जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको दिख रहा है सिंगल चैप्टर इज़ ऑफ सेवन मार्क्स तो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर फोर्टीन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अकेला चैप्टर है जिसका कंटेंट कितना है सेवन मार्क्स का सारा सिलेबस जो सेकंड टर्म का है टोटल मिलके कितना आ गया थर्टी फाइव मार्क्स तो आप शॉर्ट में समझें जो चैप्टर एट से फोर्टीन चैप्टर एट से फोर्टीन जो है वो आपका कितना है थर्टी फाइव मार्क्स का कंटेंट है और ये उसका सिलेबस है आप चाहें तो स्क्रीन ले सकते हैं आप चाहें तो स्क्रीन ले सकते हैं इसका और आप आगे देखिए ये आपका नेक्स्ट वाला कंटेंट है चैप्टर फोटीन लास्ट में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ठीक है एंड दीज आर द प्रैक्टिकल यानी कि चैप टर्म टू का प्रैक्टिकल जो होगा उसमें भी हमको चार एक्सपेरिमेंट करने हैं और थ्री एक्टिविटीज़ जो कि टीचर डेमोस्ट्रेट करेगा और ये कॉन्टेंट है यानी कि 15 मार्क्स का टर्म वन का प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का टर्म टू का प्रैक्टिकल होपफुली आपको ये समझ में आया होगा ठीक है और अगर समझ में नहीं आया है तो मैं एक दिन लाइव सेशन लूँगी उसमें आपको चीज़ें समझा दूंगी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू कमेंट कमेंट करके बताइए मुझे आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं